यार दादी कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रही मैं कब से। दादी नमस्ते। हाँ हाँ जीती रहे। अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय? नहीं तू मेरे लिए कोई चाय नहीं बनाएगी, मेरी पोती मेरे लिए चाय बनाएगी। जा तू अपना कोई दूसरा काम कर ले। लेकिन मैं चाय। नहीं नहीं जा काम कर ले अपना। यार दादी जी को क्या हो गया? वो तो मुझे सच में बहुत गुस्सा हो गई है और एकदम से मेरे नन से इतना प्यार भी करने लग गई है। कुछ तो गड़बड़ है यार, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं दिया दादी के ऊपर? दादी से मुझसे गुस्सा हो रही है। दादी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, कड़क और टेस्टी, अदरक वदरक मार के। बना के ले क्या? ठीक है दादी। पोती ठीक है दादी। अरे इनको क्या हो गया? दादी तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गई, शायद मेरी चाल काम आई है। दादी ये लो चाय। ओहो अपनी दादी को खाली चाय ही पिलाएगी, कुछ खिलाएगी नहीं? दादी मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ, अभी बना के लाती हूँ। तू रहने दे, मुझे तेरे हाथों पे यकीन नहीं है। पहले चाय खराब पिला दी, अब सब्जी में चीनी डाल देगी, तेरा क्या भरोसा? दादी मैं बना के लाती हूँ आपके लिए टेस्टी सा कुछ, ठीक है? हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ। मेरी प्यारी पोती इधर आ, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है, इधर आके बैठ। मैं कुछ बना के लाती हूँ दादी। हाँ यार मजा आ गया, इधर बैठ चाय पी ले। देख मेरी पोती को देख, कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी अच्छी चाय बनाई है, और तूने नमक डाल दिया था चाय में। और अपने मायके में तूने कुछ सीखा भी है? हैं यही चाय में नमक डालना सीखा है या? एक बारी गलती हो गई दादी जी, सॉरी। कुछ काम नहीं आता, पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे। पी ले अभी इसे चाय को। दादी ये लो मैंने आपके लिए सैंडविच बनाया है। वाह बेटा वाह, ले ये खा के देख कितना टेस्टी बनाया है इसने। तुझे आता है ऐसा बनाना? दादी आपके लिए बनाया मैंने। कोई बात नहीं इसे खा के तो देखने दे, इसे पता तो चले कैसा है इसका स्वाद। दादी जी मैंने ही सिखाया दीदी को, दीदी को तो कुछ भी बनाना नहीं आता था, ब्रेड सेकनी तक नहीं आती थी। मतलब सब कुछ तूने ही सिखाया, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसने अपनी माँ से तो कुछ सीखा ही नहीं है, है ना? सब तुझे ही आता है, इसकी माँ को भी कुछ कुछ आता है, यूट्यूब से देख के बना लेती है वो। मैं तो अपने आप से बना लेती हूँ, और ये भी मैंने ही सिखाया, झूठ बोल रही है। अब चुपचाप खा ले इसको, और फिर ऐसी बनाई हो, तुझे कुछ आता नहीं है बनाना, ठीक है? खा के देख इसे अब। मेरे जैसा टेस्ट है बिल्कुल। हाँ दादी सब कुछ इन्होंने सिखाया है, हर चीज हाँ, मेरे जैसा टेस्ट होता है, जैसे कि मुझे कुछ आता नहीं, आपको तो पता है ना मुझे कुछ कुछ तो आता ही हाँ, है ना दादी? बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू दादी, थैंक यू। बेटा सैंडविच भी हो गया, चाय भी हो गई, अब जा कुछ फ्रूट्स काट ला। हाँ हाँ दादी मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक है? फ्रूट्स तो मैं काट लेती हूँ, उसमें तो कुछ बनाना भी नहीं है। तू बैठ ही रह चुपचाप, काटने दे उसे, तेरे पे मुझे भरोसा नहीं है, कभी आड़े टेढ़े काट दे। दादी मैं काट के लाती हूँ, अच्छे अच्छे काटूंगी। हाँ ताकि आप चबा पाओ, ठीक है बेटा। दादी मुझे एक गलती की आप इतनी सजा दोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ दूंगी, तू इसी लायक है। अरे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, दादी ने तो इसकी बैंड बजा दी भाभी की। मम्मी को बताती हूँ कॉल करके। दादी ये लो फ्रूट्स, अब भाभी को मत देना, आप ही खाना, पाइनएप्पल आपके फेवरेट है ना, इसलिए देखो मैं कितनी मेहनत से काट के लेके आई हूँ। अरे ये क्या बोल रही है, क्यों ना दूं? क्या मतलब दादी? अरे इसको भी तो पता चले, देख कितने अच्छे से काटे हैं तूने फ्रूट्स, इसको भी पता चलेगा ना, फिर ये भी ऐसी काटेगी, आड़े तिड़ से नहीं काटेगी। मगर मुझे आते हैं काटने। तुझे कुछ नहीं आता, पकड़ इसको और खा, सारे खत्म करना। दादी आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे तू तो मेरी प्यारी पोती है, ये खाना ना खाना तो अलग बात है, इसको खाने दे। जा तू तो मेरे लिए कुछ भी बना देगी। हाँ दादी। अब दिन में क्या बनाएगी? आप जो बोलो दादी। एक काम कर, कड़ी चावल बना दे। मैंने राजमा भिगाई थी रात में, मैं वही बना देती हूँ। तू चुपचाप बैठी रहे, मुझे तेरे हाथ का कुछ नहीं खाना। बेटा जा तू बना के ले क्या, आज तू बनाएगी। ठीक है दादी। दादी इससे अच्छा तुम अपने मायके चली जाओ। अरे तू पागल है क्या, तुझे मेरी चाल का नहीं पता? चाल कौन सी चाल? अरे हल्के बोल सुन लेगी, नाक पे दम कर देगी हमारे। मतलब? बहू तू अपने आप को देख जरा, कितना काम करती है, कितनी कमजोर हो रही है, अपनी सेहत का तो तू खुद ध्यान रखती नहीं है, इसलिए मेरे को ही देने दे, करने दे उसे काम। तू बस ऐसी बैठी रह और मेरे साथ खाती रह। अच्छा तो ये सब नाटक है? अरे थोड़ा धीरे बोल, अगर उसको पता चल गया ना तो कोई काम नहीं करेगी, तेरे नाक पे दम कर देगी, चुपचाप खाती रह इसे। ठीक है दादी अब आएगा मजा। बहू ये क्या कर रही है? दादी जी गमलों में पानी दे रही हूँ। अरे वाह बहू तू तो बड़ी अच्छी है, तूने पूजा भी कर ली? जी दादी जी। हाँ मैंने देख लिया था तुझे, सुबह 5 बजे उठ गई थी, मैंने देख लिया था। हाँ दादी जी आपके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ, चले अंदर। चल ठीक है बहू आजा। बहू क्या बनाया तूने मेरे लिए खाने में?
मैंने आज आपके लिए बनाया दादी पालक। ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया है दलिया, नमकीन दलिया। हट, दलिया थोड़ी ना खाती हूँ मैं, बीमार थोड़ी ना हूँ। पर दादी आप तो यही खाती थी ना। तेरी माँ को कुछ और बनाने नहीं आता तो यही खिला दे देती थी मुझे। हाँ दादी चख तो लो, मैंने इतने प्यार से बनाया है। तू ही खा ले, मुझे नहीं खाना ये दलिया पलिया। बहुत तू बता तूने क्या बनाया है। मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ, पालक पनीर बनाया मैंने। दादी थोड़ा सा चख लो प्लीज। अरे तू मुझे मत खिला ये मरीजों वाला खाना, जा अपनी माँ को खिला जा। यार अब कैसे पटाऊं इन्हें, संस्कारी भी बन ली खाना भी बना लिया, पट ही नहीं रही है। आप क्या बना रही हो भाभी? पालक पनीर बना रही हूँ मैं, दादी का फेवरेट। आपको कैसे पता ये दादी का फेवरेट है? मुझे सब पता है, जिस दिन दादी आई थी ना उसी दिन मैंने सब पूछ लिया था कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो दलिया इसलिए मैंने नहीं बनाया, मुझसे पूछ लेती या अपनी दादी से पूछ लेती। वैसे इतने साल तो आप अपनी दादी के साथ भी रही हो, इतना नहीं पता कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं। वो हर दिन खाती थी दलिया, अभी ज्यादा बन रही है। हर दिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था ना, इसीलिए उनको खाना पड़ता था। अब आप ज्यादा बोल रही हो मम्मी के बारे में, इनडायरेक्टली आप मम्मी को कह रही हो। अरे कैसी बात करूँ मैं मम्मी जी को, क्यों बोलूंगी, वो तो मेरी माँ जैसी है। जैसी नहीं, माँ ही तो है। दिखाओ ये दलिया मैं ही खा लूंगी। आप क्या करोगे अब इस दलिया का, बेचारा दलिया रो रहा है, किसी के पेट में तो जाएगा ही ना। मैं खा लूंगी, बाकी आप जाओ, मैं दादी के लिए खाना बना रही हूँ, आपको भी दे दूंगी। वैसे एक बात बताओ, बड़ी पुजारन बनी हुई है और टीका वीका लगा के। पागल हो क्या, आपको तो पता है मैं पूजा करती थी पहले से ही। मैंने तो नहीं देखा आपको कभी पूजा करते हुए। आप लेट उठोगी तो कहाँ से देखोगी, 12-1 बजे तो उठती थी, तब तक तो मेरा टीका भी धुल जाता था। हेलो मैंने बताया था ना मैं योगा करती हूँ। वही तो, योगा में और पूजा में बहुत फर्क है, कर लिया करो कभी। जब से दादी आई तब से आपका ज्यादा मुँह नहीं खुल रहा है। मेरा मुँह तो ऐसे ही था, मगर दादी आ गई तो अच्छा ही लग रहा है। आप बैठ जाओ, मैं दादी के लिए खाना ला रही हूँ, फिर अपने लिए खुद ले लेना, मैं नहीं हूँ आपकी नौकर। दादी के आने के बाद कुछ ज्यादा बनने लगी है। बहू तो मेरा कितना ध्यान रखती है ना, तू अगले जन्म में मेरी बहू नहीं बेटी बनना, भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। बड़ी अच्छी है मेरी बहू। ये लीजिए खाइए। तू भी खा। हाँ मैं तो खा रही हूँ। वैसे तो तेरी सास भी बेकार है और तेरी नन भी बेकार है, मेरे लिए तो तू ही काम की है। सच में दादी जी दोनों बहुत ही बेकार है, मुझे तो लग रहा है वहाँ से सुन भी रही है, बुला लूँ उन्हें। ओए सुन ही रही है तो घर आ जा। आ रही हूँ। तेरी आदत कभी सुधरेगी नहीं ना, है ना, पूरी माँ पे ही गई है, चोरी चोरी चुपके चुपके क्या सुन रही थी, यहीं आके बैठ जा, चोरी थोड़ी ना करी है मैंने। दादी मैं तो वहाँ से निकल रही थी बस। इनकी तो दादी आदत ही ऐसी है, अब मैं क्या ही बताऊँ, एक तो यहाँ पर आ जाती है ऊपर से कुछ काम भी नहीं करती। भाभी आप बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी हो दादी के सामने। दादी को सच सुनने की आदत है और मैं सच ही बता रही हूँ, कुछ झूठ नहीं बोलूंगी मैं दादी के सामने। दादी ऐसा नहीं है, आपको तो पता है ना मेरे बारे में। सही बोल रही है वो, ठीक है तुझसे बड़ी है और वो जो कहेगी सही कहेगी। अच्छा अब तुम दोनों यहाँ बैठी गई हो तो तुम दोनों को एक बात बता देती हूँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी। बताओ दादी जी क्या बात है वो? बहुत जरूरी बात है, सुनेगी? हाँ हाँ। देख बहू और तू भी सुन ले, मेरी तो उम्र हो गई है, अब 4 दिन की मेरी जिंदगी है। ऐसे मत बोलो दादी जी। देख बहू ये तो सत्य है, जो यहाँ आया है उसको जाना ही है, तो परेशान मत हो, मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बहू क्या ही कर सकते हैं। हंस रही है? नहीं तो दादी मैं तो बस खुश थी थोड़ा। हाँ दो दिए दादी, अपनी मरने की बात करी और आप खुश हो। जो मेरे पैसे हैं ना जितने भी हैं सारे, वो मैं सब कुछ तेरे नाम करना चाहती हूँ। मेरे नाम? हाँ बहू, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तू जिंदगी भर खुश रहे। दादी आप क्या कह रहे हो? हंस ले, पहले हंस ले। दादी और मेरे लिए, मैं तो आपकी सबसे प्यारी पोती हूँ ना। सबसे प्यारी? किसने कहा सबसे प्यारी? सबसे प्यारी तो मेरी बहू है। चुगलियां करती रहती है अपनी माँ से, सब सुना है मैंने। सच में ये बहुत बड़ी चुगलखोर है, मेरी भी चुगलियां करती थी। पता है आपको, एक बार हम ना बाहर मूफलियां खाने गए, माँ से चुगलियां करती ये तो खूब मूफली खाती है, खूब ये खाती है वो खाती है, बताओ। और फिर मुझे फोन करके उन्होंने बहुत सुनाया। बेटा तू परेशान मत हो, देख जब तक मैं हूँ तब तक इनमें से किसी का विराज नहीं चलने दूंगी। मगर मैं यही सोच रही हूँ आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, भगवान आपको मेरी भी उम्र दे दे लेकिन आपको जाने ना दे। ना बाबू तू परेशान मत हो, देख इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ तेरे लिए अच्छा करके जाऊंगी, तू चिंता मत कर। अरे दादी ये ओवर एक्टिंग कर रही है, ये आपसे कोई प्यार नहीं करती है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? चुप, मुझे सब पता है कौन प्यार करता है कौन नहीं करता है। मैंने पीठ पीछे भी सबको देखा है, आज से थोड़ी ना जानती हूँ मैं, और तुझे भी बचपन से देख रही हूँ मैं। ठीक है बहू चल, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ठीक है थोड़ी देर में तुझसे मिलती हूँ। दादी कुछ तो मेरा नाम कर दो, दादी 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 मेरा नाम तो कुछ कर दो, दादी 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 कुछ तो मेरा नाम कर दो, दादी दादी दादी। हे भगवान कितना बुरा सपना देखा है मैंने, ये इस सपने को हकीकत बनने से मुझे रोकना पड़ेगा, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, क्या करूं? आइडिया जो दादी करा करती थी अब इनकी चाल इन्हीं पे भारी पड़ेगी।
अब देखो मेरा कमाल।